मरियम एजुकेशन सिस्टम में मार वाला जो कहते हैं मुफ्ती तारिक मसूद हमारे लीगल एडवाइज़र हैं, वो ज़कात मांग रहे हैं, क्या इनको देना जायज़ है? आपका नाम भी लेते हैं। भाई मेरे नाम से कोई भी ज़कात जमा कर रहा है तो मैं उसका कतअन ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं इनको जानता हूँ, बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन ज़कात सदका फितराना चंदा ये मैं कई दफ़ा पहले भी ऐलान कर चुका हूँ कि मेरे नाम से कोई भी ये कर रहा है तो मैं कतन उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता। मेरा अगर कोई पुराना YouTube पे क्लिप मौजूद है, किसी भी हवाले से उसमें चंदे की अपील की गई है किसी और के लिए, तो वो अपील भी मनसूख। अब किसी को मेरी तरफ़ से इजाज़त नहीं है कि मेरा कोई पुराना चंदे का क्लिप वो चलाए। अगर किसी ने मेरे ज़रिए से तआवुन करना है तो डायरेक्ट मेरे हाथ में पकड़ाएगा तो मैं ज़िम्मेदार हूँगा, किसी और के हाथ में पकड़ाएगा तो अपनी जिम्मेदारी पे, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। मेरे वालिद की सगी खाला ने मेरे वालिद को दूध पिलाया है। सगी खाला ने मेरे वालिद को दूध पिलाया है, हाँ ज़कात दे सकते हैं उनको, यानी मैं अपनी सगी खाला को ज़कात दे सकता हूँ। दूध वाले रिश्तों की वजह से ज़कात वो नहीं होती, वैसे भी सगी बहन को ज़कात दे सकते हैं। ज़कात सिर्फ अब्बा अम्मा को नहीं दे सकते, अपनी औलाद को नहीं दे सकते, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते, बाकी सब एक दूसरे को दे सकते हैं, सास को भी दे सकते हैं। कितनी ज़बरदस्त बात बताइए ना, फिर भी आप लोग को मज़ा नहीं आया यार, पंजाब वाले होते खुशी से बेहोश हो जाते। अगर दाढ़ी रखने में हुसन है तो लोग इसको नापसंद क्यों करते हैं? दाढ़ी रखने में हुसन है लेकिन लोगों की फितरत अंग्रेज़ ने चेंज कर दी है। देखो कुत्ते बिल्ली खाना ये इंसान की फितरत है, इसमें घिन आती है कि नहीं आती? लेकिन चाइना वाले कबाब बना के कुत्ते जितने शौक से खाते हैं बकरे उतने शौक से नहीं खाते। तो अब अगर चाइना का हर जगह गलबा हो गया और कुछ वक्त वो आपको खिलाते रहे तो आप भी कहोगे कि कुत्ते से किसको घिनाती है भाई, कुत्ते से तो कुत्ते को ही घिनाएगी, यानी आपकी नज़र में वो कुत्ता होगा। हालांकि कुत्ते से सिर्फ कुत्ते को घिन नहीं आती, तो वो बिल्ली भी खा रहे हैं, चूहे भी खाते हैं। तो मर्द का हुसन अल्लाह ने दाढ़ी में रखा है। देखो जितने नर हैं ना अल्लाह ने खूबसूरत पैदा किए हैं बालों की वजह से। बबर शेर के चेहरे पे क्या होते हैं? बाल। और शेरनी के, अब बबर शेर उठे सुबह लेती ले वो फावड़ा लेके और वो क्या यार जैसे एकदम नीच क्लीन, तो थोड़े दिनों में ऐसा होगा कि फिर शेर ये काम शुरू कर देंगे और उनकी फितरत क्या हो जाएगी। बबर शेर का तो मतलब क्या है? अब देखो मोर को अल्लाह ने बाल दिए हैं बड़े लंबे खूबसूरत, मोरनी को नहीं दिए। अब मोर का यार जैसे मोरनी बिल्कुल ऐसे नीट क्लीन है तो मैं भी ऐसा ही हो जाऊं, तो थोड़े दिनों में उसकी फितरत क्या हो जाएगी चेंज। सुरखाब के क्या होते हैं? पर होते हैं। सुरखाब की मादा के पर नहीं, मुर्गा देख लो ना, मुर्गा कलगी होती है, बड़े बड़े बाल होते हैं। तो अल्लाह ने मर्द को बालों से जीनत दी है, सर के बाल भी होने चाहिए। मैंने तो एक मजबूरी में टिंट कराई है कि मैं अगर टिंट ना कराता तो वैसे ही फारिगुल बाल हो जाता। मेरे बाल दिमागी काम की वजह से बहुत तेज़ी से गिर रहे थे, टिंट करा दी, बाल निकलना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुके हैं। बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुना दी जाएगी इंशाल्लाह। तो जो है ना अल्लाह ने मर्द को और औरत को सर के बालों में हुसन रखा है। औरत के जितने लंबे बाल हों उसमें निस्वानी हुसन और ज़्यादा लगेगा, तो उसकी फितरत भी चेंज कर दी, वो बाल कटा रही हैं, वो कटा कटा के परकटी नहीं होती जैसे छोटे छोटे बाल, अजीब वहशत होती है उनके चेहरों पर, वो हुसन नहीं होता, लेकिन चूंकि फैशन बन गया तो उसी जो है ना। देखो अगर औरत के चेहरे सर के बालों में इतना हुसन ना होता तो मर्द की निस्बत अल्लाह ने औरत को इतने लंबे बाल दिए ही ना होते। ये दिए इसलिए कि इसकी तो जुल्फों में अल्लाह ने हुसन रखा है, आप जितने भी बाल बढ़ाना चाहें ना इतने नहीं कंधों तक आएंगे, उसके बाद बढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन औरत के बाल बचपन से ही इतनी स्पीड से बढ़ते हैं, इसका मतलब है कि ये औरत होने की वजह से बढ़ते हैं। तो ये फितरत गलती कर सकती है? कुदरत फितरत के काम थोड़ी गलत होते हैं। पहले जमाने में तो औरतें ऐसे सर में मालिशें किया करती थी, बाल लंबे होते, शायरों के कलाम में जुल्फों का तस्किरा बहुत होता था, जुल्फों का, अपनी महबूबा की ना जुल्फे ऐसी। आजकल जुल्फे क्या हो गई हैं? शॉर्ट, जुल्फ है ही नहीं ठीक है, तो शायरी किस पे कहे शायर। तो ये सब अंग्रेजों ने हमें गलत लाइन पे लगा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पट्टे वाले बाल थे, खूबसूरत दाढ़ी थी, आपने फरमाया मूछें कम करो और दाढ़ी बढ़ाओ, उल्टा काम हो रहा है। तो मर्द का अल्लाह ने इसमें हुसन रखा, औरत का हुसन सर के बालों में। तो वो सर के बाल कटा रही हैं, मर्द चेहरे के बाल कटा रहा है, ये गलत है। तभी आप देख लो जिस मर्द के दाढ़ी होती है वो एकदम कटा दे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है, एकदम चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है।
تمام پیغمبروں نے داڑھی رکھی ہے، خود ہمارے نبی سے زیادہ کون خوبصورت ہوگا؟ تو جلال ہے اس میں، جلال۔ باقی یہ کہ آج کل خواتین بغیر داڑھی والے کو پسند کیوں کرتی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ سمجھتی ہیں ماڈرن ہے، یہ زمانے کے حساب سے چل رہا ہے، ورنہ عورت کی فطرت یہ ہے کہ اسے بغیر داڑھی والا مرد پسند نہیں آتا، اسے آدمی پسند آتا ہے جو پراپر آدمی ہو، جس میں مکمل مردانہ علامتیں پائی جائیں، آواز ہو اس کی، چہرے پہ ایک روب ہو۔ تو اگر وہ کلین شیو ہو جائے گا تو تھوڑی پسند آئے گا اس کو۔ اب آج کل اس لیے پسند آ رہا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں ماڈرن ہے، زمانے کے حساب سے داڑھی والے کو سمجھتی ہیں پرانے زمانے کا آدمی ہے، جی ٹھیک ہے نا، اس ماڈرن ہونے، حالانکہ داڑھی والے بھی ماڈرن ہیں بھائی، بہت سارے لوگ بڑے ماڈرن ہیں، لیکن ایک چیز ہے نا، وہ بنا دیا نا، ایک ذہن بنا دیا غیر مسلموں نے، تو بن گیا ان کا۔ اچھا میرے بھائی داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی تو کٹانا چھوڑ دے، خود بخود بڑھ جائے گی، چھوڑ دو کینچی لگانا بلیڈ میں، خود بخود کیا ہوگا؟ تھوڑے دن تک عجیب سی لگتی ہے کیونکہ بے تکے بال بڑھتے ہیں نا، کیونکہ شروع میں آپ شیو کرتے ہیں، اب ایک دم سے عجیب سے، تھوڑے دن تک عجیب سی لگے گی، جب وہ برابر ہو جائے گی ایک وقت کے بعد جا کے رک جائے گی، پھر پراپر اس کو برابر کر دیں تو پھر انشاءاللہ لوگوں کو بھی اچھی لگے گی، نہ لگے تو باڑ میں جائیں، یہ لوگ کوئی آپ کے ساتھ قبر میں تھوڑی جائیں گے۔ ایک انگریز نے جو ہے نا، وہ بچہ گود میں تھا تو وہ نہیں رویا بچہ، تو اس انگریز نے، ایک مولوی صاحب نے بچہ جیسے ہی لیا وہ بچہ رونا لگا، تو انگریز نے کہا دیکھو تم لوگوں سے جو ہے نا یہ بچے بھی ڈرتے ہیں مسلمانوں سے، تو مولوی صاحب نے کہا اصل میں مقصد یہ ہے کہ تمہاری گود میں جب آیا تو اس کو ماں کی ممتا کا احساس ہوا۔ تو ماں کی گود میں بچہ کبھی بھی روتا، مجھے پاس آیا تو اس کو پتا چلا کسی مرد کی گود میں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ دہشت بیٹھ گئی تھوڑی سی۔ اور داڑھی کے الٹے سیدھے خط نہ بنایا کرے، اس سے داڑھی کی رونق ختم ہو جاتی، پتہ نہیں منہ پہ کٹورا رکھ کے عجیب عجیب سی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، یہاں سے باہر جب چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ، بھائی قدرت نے جس طرح سے آپ کو دی ہے اسی طرح سے رکھو اور اس کو برابر کر لیا کرو، ایک مٹھی کے بعد کاٹنا جائز ہے اس کا، تو برابر، ایسے نہ ہو کہ وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ عجیب سی وہ لہرا رہی ہوتی ہے، وہ پھر داڑھی کے ساتھ تھوڑی سی ناانصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔